कोविड इम्यूनाइजेशन को लेकर एक बैठक मंगलवार को एसडीएम कार्यालय सलूनी में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सलूनी किरण भड़ाना ने की। बैठक में कोविड वैक्सीन बारे जानकारी देते हुए बताया कि 4 वैक्सीन आई हैं, जिसमें पहले चरण में जिला के 5,700 लोगों को लगाई जाएगी। बीएमओ इसके कन्वीनर होंगे। जिला से प्लान तैयार होगा और पीएचसी लेवल तक काम होगा। इसमें मरीज को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद जो मरीज रजिस्टर्ड हुआ उसे वैक्सीन लगाई जाएगी। मरीज को कोई भी आईडी जैसे आधार, वोटर कार्ड या लाइसेंस आदि साथ लाना जरूरी है। वैक्सीन लगाने के 30 मिनट बाद मरीज को भेज दिया जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि कहीं मरीज को कोई एलर्जी या किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आई है। पहले ये वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर को लगाई जाएगी। 11 जनवरी को इसका ड्राई रन है जो हर स्टेशन साइट पर होगा। वहीं ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स हर हफ्ते करना होगा, जिसमें माइक्रो कम्युनिकेशन कोल्ड चेन वैक्सीन का लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। इसमें ICDS, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित सहयोग रहेगा। वहीं बीएमओ डॉक्टर विवेक ने कहा कि 3 कमरे होंगे, जिसमें मरीज को चेक कर वैक्सीन दी जाएगी। इस बैठक दौरान बीईओ जगदीश शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी बालम राम वर्मा, व्यापार मंडल प्रधान पवन ठाकुर सहित कई मौजूद रहे। हिमाचल तेज खबर के लिए सलूनी से ब्यूरो रिपोर्ट।